किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि भारत सीमाओं में नहीं दिलों में बसता है। ये सच भी है। यही वजह है कि आज दुनिया भर के अलग अलग देशों में रह रहे भारतवासियों के दिलों में अपने देश के प्रति प्यार और देशवासियों के प्रति जज्बात इस कदर जुड़े हुए हैं कि मानो वे अपने देश की मिट्टी से कभी जुदा हुए ही नहीं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे भारतवासी युवा उद्योगपति की जिसने अपने पारंपरिक संस्कारों से ओतप्रोत होकर न केवल उच्च शिक्षा ग्रहण की बल्कि जापान जैसे आत्मनिर्भर विकसित देश में बिजनेस जगत और शिक्षा जगत के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वे अपने देश की मिट्टी से इस कदर जुड़े हुए हैं कि लगातार शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हरीश सचदेवा की। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में विजडम वेलफेयर सोशल ट्रस्ट के माध्यम से वे शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हरीश सचदेवा के दिल में न केवल भारत बसता है बल्कि भारतवासियों के लिए असीम प्यार और जज्बात भी। यही वजह है कि वह अपने कर्म क्षेत्र में लगातार कार्यरत रहने के साथ साथ असंख्य गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने, कई जरूरतमंद बच्चों को आजीवन शिक्षा खर्च को वहन करने, फ्री आई ऑपरेशन कैंप लगाने जैसे अनेक सामाजिक कार्यों को भी अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक नेक अभियान की शुरुआत की है जिससे न केवल कोरोना संक्रमितों को राहत मिलेगी बल्कि देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले उन जैसे युवाओं को भी वैश्विक महामारी कोरोना के कारण उपजी इस संकट की घड़ी में लोगों की मदद करने की प्रेरणा मिलेगी। विजडम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन हरीश सचदेवा के प्रयासों से थानेसर विधायक सुभाष सुधा के नेतृत्व में थानेसर में कोविड 19 के मरीजों के लिए 30 दिन की ऑक्सीजन गैस उपलब्ध करवाने के लिए टैंकर उपलब्ध करवाया गया है। इस टैंकर को एक महीने के लिए किराए पर लिया गया है ताकि यमुना नगर या अन्य स्थान से थानेसर कुरुक्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों में दाखिल मरीजों के लिए सहजता से ऑक्सीजन मिल सके। इस व्यवस्था के लिए थानेसर विधायक सुभाष सुधा के अनुरोध को विजडम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट ने जनहित कार्य में अपनी भागीदारी दर्ज कराते हुए सहर्ष स्वीकार करते हुए 9 लाख रुपए की राशि दी है। इतना ही नहीं, अगर एक माह के बाद भी ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ी तो संस्था की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी। इस पहल पर विधायक सुभाष सुधा ने ट्रस्ट के चेयरमैन हरीश सचदेवा और महासचिव विनोद रावल का आभार व्यक्त किया। ट्रस्ट के महासचिव विनोद रावल ने बताया कि हरीश सचदेवा के मार्गदर्शन में ट्रस्ट द्वारा 1 मई 2021 से जरूरतमंद लोगों के लिए निशुल्क सीटी स्कैन और एक्सरे की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने बताया कि 1 मई से प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक सेक्टर 4 स्थित विजडम वर्ल्ड स्कूल सीनियर विंग में जरूरतमंद लोग निशुल्क सीटी स्कैन और एक्सरे करवाने के लिए डॉक्टर की पर्ची और आधार कार्ड की कॉपी दिखाकर वहां से कूपन प्राप्त कर सकते हैं। इस कूपन के आधार पर वे रोज आकाश इमेजिंग सेंटर निकट पुराना बस स्टैंड कुरुक्षेत्र में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक और शाम 7 बजे से 9 बजे तक इस कूपन को दिखाकर निशुल्क एक्सरे, चेस्ट और सीटी स्कैन करवा सकते हैं। ये कूपन ट्रस्ट द्वारा स्कूल के अलावा प्रतिदिन सेक्टर 13 की मार्केट में स्थित डॉक्टर तुलसीदास चैरिटेबल लेबोरेटरी SCO 54 डॉक्टर डी के ललित के यहाँ भी सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक जरूरतमंदों को उपलब्ध हो सकेंगे। इन टेस्टों का सारा खर्च विजडम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट वहन करेगा। इस बारे में जापान से ट्रस्ट के चेयरमैन हरीश सचदेवा और उनकी धर्मपत्नी उन्ति सचदेवा ने इस अभियान के बारे में जानकारी देने के साथ साथ आमजन से भी अपील की कि वे बढ़ चढ़कर संकट की इस घड़ी में लोगों की मदद के लिए आगे आएं और खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करने में अपना अहम योगदान दें। नमस्कार, मेरा नाम हरीश सचदेवा है और ये मेरी वाइफ उन्नति सचदेवा है। हम विजडम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। हम कई सालों से जापान में रहते हैं पर इस वक्त देश में जो COVID-19 की वजह से विपदा जो आई है उसको देखकर मन बड़ा दुखी होता है। हमें पता चला है कि देश में इस वक्त COVID-19 के पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन की बहुत कमी है और कुछ ज़रूरतमंद लोग धन की कमी की वजह से टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं। तो हमने COVID-19 के पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए और ज़रूरतमंद लोगों को टेस्ट कराने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करने की व्यवस्था की है।
हमारे अकेले से इस समय जो देश पर विपदा आई हुई है उसका समाधान नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि अपने सामर्थ्य अनुसार योगदान दीजिए, और इसके साथ साथ इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि बहुत ज़रूरत के वक्त ही घर से बाहर जाएं ताकि इस वायरस को हम जल्दी से जल्दी रोक सकें। धन्यवाद। थैंक यू। इसी प्रकार ट्रस्ट के महासचिव विनोद रावल ने भी इस अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उनके साथ कुरुक्षेत्र के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर डीके ललित ने भी कोरोना महामारी से बचाव हेतु आम जन को आवश्यक जानकारी और हिदायत भी दी। साथ ही आकाश इमेजिंग सेंटर के संचालक डॉक्टर आकाश सिंह ने भी इस अभियान से जुड़ी अमूल्य जानकारी दी। सर, विजडम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा जो सीटी स्कैन और एक्सरे की जो योजना शुरू की गई है जरूरतमंद गरीबों की मदद के लिए, उसके बारे में सर थोड़ा जानकारी देंगे कि ये किस प्रकार से आरम्भ हुई? विजडम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट जो हमारे चेयरमैन मिस्टर हरीश सचदेवा ने 11 साल पहले बनाई थी, उसका पर्पज़ ही यही था कि समाज की सेवा की जाए एजुकेशन के थ्रू या दूसरे सोशल प्रोजेक्ट्स लेकर। तो आजकल की जो हालात हैं ये देखते हुए, वहाँ जापान में बैठे उनको काफ़ी चिंता हो रही थी, तो कल उनका मुझे फ़ोन आया कि आप देखो कि इसमें हम क्या योगदान दे सकते हैं। तो उसी वक्त मैंने अपने विधायक सुभाष सुधा जी को फ़ोन किया और डॉक्टर ललित को फ़ोन किया कि आप बताओ कि इस सिचुएशन में हम किस तरह से हमारी संस्था योगदान दे सकती है। तो सुभाष सुधा जी ने मुझे कहा कि ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैंने कहा कि ऑक्सीजन हम खरीद तो नहीं सकते, उस पर तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है। हाँ, इतना ज़रूर है आप कहीं से अरेंज करें, लाने का जो है इंतज़ाम वो उसका सारा खर्च हम दे देंगे। तो उन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जैसे भी उन्होंने ऑक्सीजन अरेंज की, और उन्होंने मुझे ये बताया कि ये कैंटर भी हमने हायर कर लिया है यमुनानगर से, तो उसका 30,000 रुपया डेली का खर्चा है, तो अगर आप एक महीने के लिए उसका किराया दे दो तो मैंने 9 लाख रुपये करीब 9 लाख रुपया मैंने एकदम से हाँ कर दी। मैंने कहा हम देने को तैयार हैं, और अगर इसको आगे बढ़ाना पड़ा तो हम आगे भी बढ़ा देंगे। फिर डॉक्टर ललित का मुझे फ़ोन आया, इन्होंने कहा कि मुझे ये एक विचार आया है कि हम क्यों ना ये गरीब लोगों का जो महंगे टेस्ट नहीं करवा सकते, कोविड से परेशान हैं, तो उनका सीटी स्कैन और चेस्ट का एक्सरे ये हम अपनी संस्था की तरफ से करवा दें। तो इन्होंने आकाश इमेजिंग सेंटर पर बातचीत की और उनको इसके लिए उन्होंने इसमें योगदान देने के लिए रिक्वेस्ट की, और थैंक यू डॉक्टर आकाश, उन्होंने भी डॉक्टर ललित की बात को मानते हुए और हमें ये सुविधा प्रदान करने का एक्स्ट्रा टाइम दिया कि सुबह वो 8 बजे से 10 बजे तक और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक सिर्फ हमारे द्वारा भेजे गए गरीब लोगों का, गरीब मरीज़ों का वो टेस्ट करेंगे, और उसका सारा खर्चा जो है वो विजडम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट उठाएगा। सर, इसका प्रोसीजर क्या रखा हुआ है? वो उसके लिए सुबह 9 बजे से 1 बजे तक दो जगह पर कूपन मिलेंगे, एक तो विजडम वर्ल्ड स्कूल सेक्टर 4 जो सीनियर विंग है वहाँ पर 9 से 1, या फिर 9 से 1 डॉक्टर ललित की जो लेबॉरेटरी है डॉक्टर टी दास चैरिटेबल लेबॉरेटरी सेक्टर 13 में मार्केट में जो SCO 64 में है, चमन में, वहाँ ये दो जगह पर कूपन मिलेंगे। उसके लिए लेबॉरेटरी में शाम को 5 से 7 का भी समय रखा गया है, दो टाइम सुबह 9 से 1 और शाम को 5 से 7, जबकि स्कूल में सुबह 9 से 1 बजे तक। ये कूपन जो है ज़रूरतमंद लोग ले सकते हैं, उनको उसके लिए अपने आधार कार्ड की कॉपी और डॉक्टर की, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, ये टेस्ट करवाने के लिए उसकी कॉपी, ये दो चीज़ें हमारे पास सबमिट करनी है, और हमारे यहाँ से उनको कूपन इशू होगा। वो वहाँ आकाश इमेजिंग सेंटर पर जाकर वो कूपन देंगे और उनका फ्री में टेस्ट हो जाएगा। सीटी स्कैन का और एक्सरे का सारा खर्चा विजडम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट देगा।
डॉक्टर साहब, आप इतने सालों से कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, इस समय जो कोरोना का हालात बने हैं, सारे अस्पताल फुल हैं, लोग चाहकर भी डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकल रहे कि अस्पताल में जाके एडमिट हो, तो ऐसे में आम आदमियों को, आम लोगों को क्या सलाह देंगे कि जिससे वो कोरोना से भी बच रहे हैं, उनकी रोजी रोटी भी चलती रहे। मैं खास करके ऐसे पेशेंट को जिनके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको लेके अस्पतालों में मत जाएं। जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है जाके डॉक्टर से बात करके उनके सिम्टम बता के मेडिसिन ले लें, क्योंकि दे आर मोर प्रोन टू डेवलप कोरोना। तो इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, खांसी जुकाम है, कुछ है, ऐसे पेशेंट को बार बार वहाँ ना ले जाएं। उनको दूसरे पेशेंट भी इफेक्टेड होंगे, आप तो होंगे ही होंगे, तो इसलिए अपना बेटर वही है, अपना जाके डॉक्टर से अपना बात करके उनके दवाई लिखवा लें। नहीं आराम आ रहा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम रखती है, तो फिर डॉक्टर की सलाह लेके फिर उनके पास ले जाएं। एक डॉक्टर साहब, एक बड़ी कंफ्यूजन रहती है शहर में, कई बार लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय घरेलू नुस्खे ज़्यादा अपना लेते हैं कि आजकल गला, खांसी, जुकाम ये चीज़ें कॉमन हैं, तो ज़्यादातर लोग सुबह तीनों टाइम मतलब स्टीम बाफ इस्तेमाल करना या घर का ही काढ़ा मुलट्ठी ऐसे देसी नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, क्या वो भी ठीक है? बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ें हमारी जो आयुर्वेदिक है ना, दोबारा फिर जाग रहा है, लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस पता लग रही है। मेडिसिन अपनी जगह है, ये चीज़ अपनी जगह है, दीज आर द बूस्टर इम्यूनिटी, अपनी इम्यूनिटी तो इनसे बननी है आपकी। मेडिसिन ने तो अपना आपका जो सिम्टम है उसको कवर करना है, इम्यूनिटी तो इससे बननी है आपकी। डाइट में आते हैं आप, पार्ट ऑफ डाइट है हमारी, लेनी चाहिए अच्छी चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं डॉक्टर साहब जिनका परहेज करना चाहिए, खासकर ऐसे मौके पे, जैसे कि वो सोशल मीडिया में मैसेज होते हैं कि शराब नहीं पीनी चाहिए या नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, जो रूटीन में आप लोग सेवन करते रहते हैं इस टाइम पे? हाँ, मोस्टली देखो ठंडी चीज़, कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर दो, थोड़े कोसा पानी, कॉफ़ी, चाय, ऐसी चीज़ें लेते रहो ताकि वायरस वगैरह जो है वो डिपोजिशन थ्रोट में ना हो। आपको वैसे भी उसमें थ्रोट ठीक रहेगा, गरारे करते रहो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पुरानी टाइम टेस्टेड है। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, जो आकाश इमेजिंग सेंटर पे प्रतिदिन सीटी स्कैन होंगे और एक्सरे होंगे, उनका टाइम क्या रखा गया पब्लिक के लिए? सर, सुबह 8 से 10 और शाम को 7 से 9। और प्रतिदिन कोई टारगेट रखा गया कि कितने जरूरतमंद लोगों के सीटी स्कैन और एक्सरे किए जाएंगे? सर, हम कम से कम 15 सीटी स्कैन सुबह और 15 शाम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। सर, जो विजडम संस्था द्वारा जो ये अभियान चलाया गया जरूरतमंदों की मदद के लिए, रूटीन में आप जो डेली पब्लिक डीलिंग करते हैं उसमें इस सीटी स्कैन की और एक्सरे की कॉस्ट क्या है सर? जैसे एक्सरे की कॉस्ट क्या है चेस्ट के? एक्सरे सर हम 300 रुपये लेते हैं सर, और सीटी स्कैन हम 4000 रुपये चार्ज करते हैं, 4000। तो सर, इस समय जो ये अभियान जो चलाया जा रहा है, इसको आप विजडम की एक सराहनीय पहल मानेंगे? हाँ जी, समाज के लिए बहुत अच्छा है कि ऐसा कुछ किया जा रहा है। ठीक, थैंक यू जी। थैंक यू सर। जो जरूरतमंद लोग आएंगे सीटी स्कैन और एक्सरे करवाने के लिए, और दिन में आपकी पब्लिक डीलिंग भी जैसे काफ़ी रहती है, तो इन जरूरतमंद लोगों के लिए जो टाइम आपने अलग रखा है सुबह और शाम का, तो कोविड की गाइडलाइन का पालन किस प्रकार किया जाएगा, क्या व्यवस्था की सर? इसी के लिए हमने ये टाइम सुबह और शाम का रखा है ताकि बाकी जो लोग हैं उनसे इनका अलग समय दिया जा सके, ताकि ये मिक्स ना हो दोनों। एग्जिट और एंट्री का कोई? हमारे यहाँ सर सेंटर में 2 एंट्रीज हैं, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के लिए अलग एंट्री है और सीटी स्कैन के लिए अलग एंट्री है, ताकि ये पेशेंट्स आपस में मिक्स ना हो और सेफ्टी बनी रहे सर। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।